yesterday I told you two rules related to adverb to. Today we have to study third rules. Sometimes you find far plus objective pronoun और ऑब्जेक्टिव केस या नाउन रहता है। आपको करना क्या है, हमने आपको नियम बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव प्लस, ये आपको कहीं पर ये मिलेगा फार प्लस, ये मिलता है ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस या नाउन रहेगा। उसके बाद टू और प्लस जो रहेगा इधर, आपको करना क्या रहेगा, अगर फार्मी है फार्मी तो इसको हम जब दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके स्थान पर आई कर देंगे। मान लिया फार अस है, फार अस, तो दूसरे की जगह पर बी का प्रयोग करेंगे। फार यू है तो ये बदलता नहीं है, ये यू ही रहता है। फार मी है, फार हर है तो ये सी में बदल जाता है। फार देम है तो ये ही में बदल जाता है, सॉरी फार देम को दे में बदल देते हैं, और फार हिम अगर है तो उसको ही में बदल देते हैं। और फार प्लस नाउन है, फार प्लस कोई नाउन है तो उस नाउन को हम नाउन के रूप में ही लिखते हैं। जैसे उदाहरण इस नियम पर हम लिख के दिखाते हैं कि राम वाज टू जेंटिल फॉर मी टू स्लैप। अब देखिए सब्जेक्ट आपका यह है राम, तो ऐसे रहेगा, कल नियम में बताए थे। वाज आपका हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहता है, टू बदल जाता है सो में, एडजेक्टिव आपका वही रहेगा जेंटेल। इसके बाद चलिए हम नियम को लिख देते हैं, एक नियम लिख देते हैं उसी पर आप बनाइएगा। क्या करना है, सब्जेक्ट आपका यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका यही रहेगा, ये टू बदल जाएगा सो में, एडजेक्टिव आपका वही रहेगा और दैट हो जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट यहाँ रहता है तो ये सेकंड आपका सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कैन और कुड रहेगा, नाट होगा, उसके बाद बी वन या बी ई होगा, उसके बाद जो भी रहेगा टेस्ट सीधे उतार देंगे। जैसे देखिए लिखा है राम वाज टू जेंटिल फॉर मी, इसमें एक सेंटेंस आपको एक दो शब्द मिले हैं, फॉर मी टू स्लीप टू स्लैप। अब आप चेंज करिए इसको, राम देखिए सब्जेक्ट की जगह पर राम हो जाएगा, वाज के हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वाज हो जाएगा, टू की जगह पर सो हो जाएगा, एडजेक्टिव होना चाहिए ये जेंटिल जो एडजेक्टिव है ऐसे बना रहेगा। उसके बाद ये है दैट लगेगा, दैट के बाद आपको सेकंड सब्जेक्ट लिखना। अब यहाँ लिखा है फार्मी, तो फार्मी को किस में बदलना है, आई में बदलना है, और कैन कुड होना चाहिए, सेकंड सब्जेक्ट के बाद कैन और कुड होना चाहिए। देखिए यहाँ वाज है, कल बताए थे हम, अगर वाज अगर रहेगा तो कुड लगता है, ये हो जाएगा कुड है। उसके बाद नाट है, इसे बी वन आपका दिया है स्लैब, तो ये हो जाएगा स्लैब।
ये सेंटेंस आपका खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, फॉर बी, फॉर फॉर अस के लिए बी, फॉर यू के लिए यू, फॉर हर के लिए सी, फॉर देम के लिए दे, फॉर हिम के लिए ही, एंड फॉर प्लस नाउन है तो नाउन रहता है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। दिस बैग इज टू हैवी फॉर द चाइल्ड टू कैरी। देखिए दिस बैग इज टू हैवी फॉर द चाइल्ड टू कैरी, मतलब ये बैग इतना भारी है कि बच्चा उसको ले नहीं जा सकता। देखिए इस नियम पर है, सब्जेक्ट आपका दिस बैग है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज हो गया, ये टू है तो ये टू है, एडजेक्टिव आपका है बी है, फार एडजेक्टिव केस है तो फार एडजेक्टिव केस नहीं, ये नाउन है, नाउन है और उसके बाद टू लगा करके लिखा हुआ है। क्या करना है हमको, हमको इस नियम पर बदल देना है टू को हटाने के लिए। क्या करेंगे, दिस बैग ऐसे हो जाएगा, ये दिस बैग इज टू को बदल देंगे सो हैवी दैट, अब दैट के बाद सेकंड सब्जेक्ट लिखना है तो सेकंड सब्जेक्ट फॉर द चाइल्ड लिखा है, तो यहां चूंकि चाइल्ड है नाउन है इसलिए वैसे रहेगा नाउन द चाइल्ड और टू कैरी बचा है तो टू कैरी रिसीव, सॉरी द चाइल्ड उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कैन कुड होना चाहिए, यहां इज है इसलिए यहां लगा देंगे कुड कैन नॉट कैरी। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और हम दे देते हैं, देखिए लिखा है, लिख देते हैं आई एम टू एंग्री फॉर यू टू कंट्रोल। ये देखिए नियम मिला दिए, सब्जेक्ट आपका आई है, आई एम इसका हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव टू है, एंग्री एडजेक्टिव है, फॉर प्लस एडजेक्टिव केस तो फॉर यू लिखा है, उसके बाद टू है और उसके बाद जो बचा है उससे कोई मतलब नहीं। इसको क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, टू कैसे हटाएंगे, ये लिखेंगे आई ऐसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका वही रहेगा, टू बदल जाएगा सो में, ये हो जाएगा एंग्री दैट सेकंड सब्जेक्ट, ये फार के बाद जो लिखा है यही आपको लिखना है, हो जाएगा यू, उसके बाद इज आई एम है यहाँ इसलिए हाँ कैन नॉट कंट्रोल कंट्रोल। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। चलिए और नियम देखते हैं, इसको आप देखते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। और क्या करना है, एक काम ये करना है, कभी कहीं उसमें टू बी वन या बी ई नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर देते हैं, जहां पर टू लिखा रहता है उसकी जगह पर या तो ओवर लिख देते हैं या एक्सट्रीमली लिख देते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं, दोनों शब्दों में से जो भी लिखना चाहें प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो यह नियम है, जैसे आई एम टू फॉन्ड ऑफ स्वीट स्वीट्स, इसमें मिठाइयों का बहुत शौकीन हूं इसका मतलब होता है। इसमें देखिए टू है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन यहां पर ना तो कहीं पर टी ओ लिखा है, ना कोई क्रिया दिख रही है, ना बी ई दिख रहा है। तो हमको करना क्या है, इसमें ये टू को हटा देना है, इसके जगह पर ओवर एक्सट्रीमली जो भी लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, जैसे आई एम ओवर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स,
इस तरह से। दूसरा देख लीजिए, ही वाज टू एंग्री, इतना ही दिया है और कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही वाज टू को हटाएंगे, आप जो भी लिखना चाहे, चाहे एक्सट्रीमली लिख दीजिए और चाहे ओवर लिख दीजिए, जो मन कहे, एंग्री। इस तरह से आप टू को हटा सकते हैं। इसमें एक नियम और भी है, इसको सीधे आप टू को हटा सकते हैं और सेंटेंस के अंत में आप लिख सकते हैं बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य लिखते हैं, राहुल इज ए टू टॉकेटिव ये रहा सेंटेंस आपका, ना तो कहीं पर टू लगा है ना तो कहीं बी वन लगा है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको टू को हटाना है, लिखा रहेगा रिमूव टू, तो आप क्या करेंगे, राहुल इज, अब ये टू को सीधे हटा दे रहे हैं, लिख देते हैं टॉकेटिव, और लिखा लास्ट में लिख देंगे बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। तो इसका प्रयोग ग्रामर में दो तरह होता है, एक तो टू को लगाया जाता है, एक टू को हटाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया टू को हटाया कैसे जाता है, लेकिन जब टू को लगाना होगा तो इसी नियम को सीधे हम उलट देंगे। तो इस तरीके से यह चैप्टर रहा आपका, टू को रिमूव करना और टू को इंसर्ट करना। अब आपकी एक्सरसाइज बचती है, वो एक्सरसाइज हम आपको भेज देंगे अभी, उसमें से आपको क्या करना है, एक तो एक एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको रिमूव करना है, और दूसरी जो एक्सरसाइज होगी उसको इंसर्ट करना है, अर्थात उसमें रिमूव नहीं रहेगा, रिमूव लगाना रहेगा। तो यहीं तक, फिर कल देखेंगे। धन्यवाद।